मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ, वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूँगी, अगर कोई मक्का मदीना में कोई चर्च बनाने जाएगा तो मैं उसको रोक दूँगी। इसी प्रकार से जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज़ बनाने की चेष्टा होगी मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊँगी। एक प्रयास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जड़ता को तोड़ा है, उसका अभिनंदन होना चाहिए। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है। मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहल है वो लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि ये मामला बातचीत से समाधान होना चाहिए, और यदि बातचीत से समाधान ना हो तो फिर अदालत का फैसला सबको मान्य होना चाहिए। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ ये जो कमेटी थी एक जस्टिस के अगुवाई में बनाई गई है, आठ सप्ताह उसको दिया गया है, तो ये रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया है मैं मानता हूँ कि देश के हित में है। कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है या कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आज निर्णय लिया है, समझौते की टेबल पर बैठा करके अगर परिणाम निकल आएगा तो बहुत अच्छा है। Both parties have agreed for mediation under the Supreme Court, and we have all accepted whatever Supreme Court decision finally is going to be. All parties have accepted that I am not going against Supreme Court. हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि मध्यस्थता से हो, मिल बैठकर हो, कोर्ट निर्णय करे। लेकिन अगर भगवान राम जी का जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा? वहाँ पर मंदिर बनना ही चाहिए। जो कांग्रेस की स्टैंड थी कि ये मामला बातचीत से ही हल हो सकता है और अब और न्यायिक निर्णय सबको मानना चाहिए, ये हमारी स्टैंड थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक न्यायिक निर्णय के रूप में दिया है, तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको उम्मीद करनी चाहिए कि अब ये मुद्दा हमारे सामाजिक जुड़ाव को जो खराब करता था अब वो मुद्दा नहीं रहेगा। भाजपा ही ये काम करती थी और इसीलिए हम लोग कहते थे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर क्या बनाएंगे, क्योंकि ये तो मर्यादा तोड़ने वाले लोग हैं। तो अब भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि अब तो जज है ना सुप्रीम कोर्ट, जो जज करेगा इनके व्यवहार को और देश भी जज करेगा, तो यही लोग हैं। अपने बजरंगी अठरंगी नौरंगी जितने भी हैं इनके, उनको भाजपा को कंट्रोल करना चाहिए और उन कहना चाहिए कि वातावरण खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती।